के टाइम पे सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बालों की प्रॉब्लम, चाहे वो बालों का टूटना है चाहे वो गंजापन है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी एयर, हमारा पानी, हमारा खाना इतना ज्यादा दूषित हो चुका है, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि उसका सारा साइड इफेक्ट हमें हमारे बालों पे दिखता है। अगर हम लगातार 5 या 6 महीने अच्छा खाना भी खाएं ना, तो भी केवल हम 50% बालों की प्रॉब्लम को ही सोल्व कर पाएंगे, उनको प्रॉपरली तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि अगर आप उसको लगातार 1 साल तक भी उभारे ना, तो उसको उभरने में भी कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो न्यूट्रिशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप अपने बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, गंजापन आ चुका है, हेयर फॉल आ गया है। आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भैया आज के टाइम में मस्त है, सप्लीमेंट के बिना कुछ नहीं है। इंटरनल जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप अपने बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके बालों की जड़ें भी काफ़ी कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि जड़ों को पोषण मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप अपनी जड़ों को पोषण नहीं देंगे ना तो आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएंगे, ना आप अपनी लेंथ पे काम कर पाएंगे, ना ही आप अपने गंजेपन को फील कर पाएंगे। आज का जो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसा हेयर सीरम है जिसका यूज करके आप अपने बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं और अपने बालों को लंबा बना सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों का यूजुअल पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। आज के लिए आपको लेना है एक पैन के अंदर आपको इतना पानी लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग कि ये रेमेडी सिर्फ एक ही बार आपके बालों में लग पाए। आप अपनी हेयर लेंथ के मुकाबले इसको अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्कैल्प को साफ करेगा, आपकी स्कैल्प पे एक्सेस ऑयल है उसको ठीक करेगा, वो है आपका ये ग्रीन कलर का सौंफ, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फिटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, आपके डैंड्रफ को हटाएगा। एक्सेस ऑयल की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो उसको हटाने में काफ़ी मदद करेगा। ये जिस तरीके से माउथ फ्रेशनर का काम करता है उसी तरीके से स्कैल्प फ्रेशनर का भी ये काम करता हुआ चलेगा। ये इतना स्ट्रोंग आपके बालों की जड़ों को बना देगा कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा आपको हेयर फॉल होता है ना, या फिर बहुत मेजर हेयर फॉल हो जाता है, या फिर कोई अगर आप गलत चीज खा लेते हैं एकदम से हेयर फॉल हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। सिर्फ 1 चम्मच के करीब आपको इस पानी के अंदर सौंफ डाल देना है। पानी की क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे जितनी की आपके बालों के लिए सफिशियंट है, ओके। उसके बाद मेन आपका इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना की मैंने 2 बड़ी चम्मच इसके अंदर डाल दी हैं। मेथी दाना के बिना तो कोई रेमेडी बनती नहीं है। मेथी दाना के अंदर हर एक विटामिन मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, बालों की ग्रोथ के लिए हेल्दी होता है, गंजेपन को फिल करने के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ तक कि अगर आप डेली बेसिस पर मेथी दाना को कंज्यूम करेंगे ना तो ये इंटरनली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके इंटरनली आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि केवल 1 महीने अगर आप लगातार मेथी दाना लगाते हैं तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको दिखता है, एक विजिबल रिजल्ट आपको दिखता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आपको पकाना है कि जो आपने जैसे मैंने आधा गिलास पानी लिया है ये आपका आधे से भी कम हो जाना चाहिए, ओके। और हम इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बालों के लिए, आपका मॉइस्चर, आपका एलोवेरा जेल, ओके। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करूँगी क्योंकि हमें इसको स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप इसको थोड़ा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें डाल के रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो आपकी रेमेडी को सेफ रखेंगे। लेकिन जो भी आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालेंगे ना, याद रखें कि उसके अंदर केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई कलर नहीं होना चाहिए, ओके? तो इस रेमेडी के अनगिनत फायदे हैं। जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे ना तो 1 महीने में आप देख पाएंगे कि आपका हेयर फॉल रुक के और आपकी जो लेंथ है हेयर लेंथ वो अपने आप लंबी होना शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही चम्मच निकाले हैं एलोवेरा जेल के। अब आप देख सकते हैं हमारी रेमेडी कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है, मतलब इसकी खूबसूरती ऐसी दिख रही है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी होने वाली है हमारे बालों के लिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे बालों पे डेफिनेटली काम करेगी। तो ये जो पानी है ये हम एलोवेरा जेल के अंदर छान देंगे,
और ये एक हेयर ग्रोथ सीरम आपका बनके तैयार है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, फ्रेश एलोवेरा जेल डाला है, थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेश एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स होने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स 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 और मिक्स करना है। और इसके बाद ये जो आपका बचा हुआ है इसे आप पैक की तरह यूज कर सकते हैं, इसे आप 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। 2 दिन बाद आप इसमें अगेन एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, मिक्सर जार में लेंगे, इसको घुमाएंगे और आपका एक पैक बन के तैयार हो जाएगा। इसका पैक लगा सकते हैं आधे घंटे तक और उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये आपको लेना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में और इससे आपकी जो स्कैल्प पे लगा लेना है। एक तो इसके लगाने से आपके जो फोलिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि यार हमने इसके अंदर मेथी दाना डाला है और मेथी दाना तो अपने आप में ही कमाल करता है। मेथी दाना इतना पावरफुल है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ यानी आपके जो छोटे छोटे बाल आप लाना चाहते हैं ना गंजेपन पे, वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इस मिश्रण में अगर आप ऑनियन जूस डालते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऑनियन जूस अलाउड नहीं है, ऑनियन अलाउड नहीं है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है आपके बालों के लिए, क्योंकि ऑनियन में सल्फर होता है और सल्फर हेयर ग्रोथ को, हेयर थिकनेस को प्रमोट करने में काफ़ी मदद करता है। और हाँ, जो मेथी दाना लिया है ना उससे आपकी जो थिनिंग की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से हेयर लेंथ से लेके अपने बालों की स्कैल्प पे आप जरूर लगाएंगे। देखिए स्कैल्प को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, आप लेंथ पे लगाएं ना लगाएं, लेकिन स्कैल्प पे आप इसको जरूर लगाएंगे। स्कैल्प पे लगाएंगे, हल्की सी मसाज देंगे और आप इसको भूल जाएंगे पूरी रात भर के लिए। ये आपको अपने स्कैल्प पे पूरी रात भर के लिए लगा के छोड़ देना है। आप चोटी बनाएं, जूड़ा बनाएं, जिस तरीके से अपने बालों को टाई करना चाहते हैं वैसे कर लीजिएगा, लेकिन पूरी रात भर आप इसको रखेंगे अपने बालों पे। अब आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं इसको लगाने से पहले, या फिर इसके लगाने के बाद भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बस आपको इसे अपनी स्कैल्प पे लगा लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सुबह उठ के आपको क्या करना है, आप शैम्पू से निकाल देंगे। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे ना तो वो मेहनत दिखेगी, चाहे वो मेहनत आपकी लाइफ में किसी भी चीज को लेके है या फिर आपके बालों को लेके है। जितनी मेहनत बालों पे करेंगे, जितनी नेचुरल चीज़ें लगाएंगे, जितना अच्छा खाना खाएंगे, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो अच्छा खाना खाती हूँ, मैं हर टाइम सप्लीमेंट रखती हूँ अपने पास, हर टाइम लेती हूँ, वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आप अपने आप को, अपने बालों को या फिर अपने बच्चों के बालों को बचाना चाहते हैं आज के टाइम पे, जहाँ पे इतना सारा पोल्यूशन है, इतना सारा दूषित चीज़ें हैं जो हम यहाँ तक खा रहे हैं खाना, उसके अंदर भी वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं हैं, तो होम रेमेडीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आशा करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीक में 2 बार आप इसको लगा सकते हैं, एक बार जो हमारे इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं वो पैक आप बना के एलोवेरा जेल के साथ उसको भी आप लगा सकते हैं। ये था आज का छोटा सा पहला सा वीडियो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।